हाँ जी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो एक बुजुर्ग बाबा का इंतकाल हो गया है, तो वो कैसे हुआ भीड़भाड़ में? वो सुबह यहाँ गोला से आए थे, शाहपुरा शरीफ में आए थे, उनकी पूरी फैमिली साथ थी। जब यहाँ वो बंदी गलियों में घुसे तो चादरों के जुलूस निकल रहे थे, भीड़ भाड़ बहुत थी। कमजोर भी थे थोड़े, मगर ऐसे नहीं थे, सिटी लाइट से चलकर आए थे, वहाँ गाड़ी छोड़ी थी समझे। और उसके बाद यहाँ भीड़ में एकदम उनको चक्कर आया, दबाव पड़ा, वो गिर पड़े। उठाकर हम लोग सीधे हॉस्पिटल में भेजा उनको, और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका इंतकाल। हम पहले से इस बात के लिए डर रहे थे कि भीड़ इस टाइप की होती है कि अपने को अपने का होश नहीं होता है, और इसीलिए हम प्रशासन से फील्ड की मांग करते थे, लेकिन प्रशासन ने अपना इश्यू बना लिया था कि हमें नहीं देना है तो नहीं देना है। अब इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? हालांकि उस वक्त आए हुए तमाम जायरीन और लोग पब्लिक हमारे सर थी कि मैया उठाओ कोतवाली के आगे रख दो और वहाँ बैठ जाओ, लेकिन हम कानून को का उल्लंघन ना करना चाहते हैं, ना कुछ फसाद चाहते हैं, ना झगड़ा चाहते हैं। मियाँ हुजूर से हुक्म आया कि खामोशी से उनका इनके जो वारिसान साथ में है उनको बुलाओ, क्या कह रहे हैं। हमने पूछा, उन्होंने कहा आपको इख्तियार है, चाहे जो करें। हमने फिर खामोशी से उनको एम्बुलेंस मंगाई और एम्बुलेंस से उनको उनके घर पहुंचवाया। अब कल और ज़्यादा भीड़ होगी, अगर इसमें कोई हादसा इस किस्म का होता उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी निगाह में जब हम बार बार चेतावनी इस बात की दे रहे हैं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेदार होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, एसपी सिटी हो, सीओ साहब हो, कोई भी हो। हमारा तो देखिए उनका काम है पब्लिक को सुरक्षा देना, इंतजाम करना। अब हम किसी को दावत देके काट बांट के तो बुलाते नहीं हैं, जो अकीदत रखते हैं वो लोग आते हैं। बताइए कितना चीज कर हमने हादसे के बाद क्या प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पर आया कोई? नहीं साहब, खाली एसओ साहब हल्के में लेते हैं वो लोग, वो इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ करते नहीं है। हम नहीं चाहते हैं इस किस्म के, कोई ने को तो ये था कि अगर धरने में हम बैठ जाते तो 2-4 लाख आदमी हमारे साथ वहाँ बैठा हुआ होता, आफत हो जाती। लेकिन हम इस शहर के निज़ाम को धर्म भरम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है किसी को। अब इसके जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए हम तो जो इनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर होता है वो मानते हैं। जब एक चीज़ का हम प्रयास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हमारा सुकून से हमें हमारा उर्स मनाने दिया जाए, करने दिया जाए। ये कोई मिसाल होती है कि पिछले साल हमने इलेक्शन की वजह से दे दिया था, इलेक्शन के बाद हमें क्यों दिया गया था शादियों का प्रोग्राम जिसमें लाखों लोग थे? अगर इलेक्शन की वजह से ही दिया गया था चलिए ठीक है, हम भी मानते हैं। वो कहते हैं चलिए ठीक है, हमको झुटलाते नहीं, फिर शादियों के प्रोग्राम के लिए हमें क्यों परमिशन दी गई वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में? वो नई परंपरा नहीं थी है? और नई परंपरा से कोई काम नहीं होता है जरूरतन, जब जरूरत होती है तो नई परंपरा बनाई जाती है। क्यों कि हम भी यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भी थोड़ा बहुत तो सुनते ही हैं भाई। सबसे पहली चीज़ जो है मुल्क और यहाँ की मुल्क वासियों की सुरक्षा, इसके लिए सरकार सब कुछ करती है। पता नहीं क्या चिड़ हो गई है हमसे कि हर बात पे ना, हर बात पे ना भाई, वो जाने हमें तो किसी से मुखालफत आई नहीं। कहते हैं मुखालफत हुई है, किसकी हुई है बताओ, हम तो नहीं समझते। ये इसके बाद आप क्या कदम उठाएंगे? अब देखिए अब हम लोग रात में बैठेंगे, इस सिलसिले में मीटिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमें दुख नहीं है उस आदमी का जो हमारे यहाँ आया और उसकी जान चली गई, भले ही चाहे जिंदगी इतनी ही लिखा कर लगाता, ऊपर से जो आता है इतनी जिंदगी, जिसका जितना है जहाँ आए वहाँ होगा। दवा दारू किस लिए कराई जाती है? ये सोचकर बैठ जाए कि जब वक्त आएगा तो मर जाएंगे वरना जिंदा रहेंगे। जिंदगी के जो एहतमाम किए जाते हैं किस लिए किए जाते हैं है? जब इसीलिए तो दवा का हुक्म है, दारू का, दवा दारू तो खैर गलत चीज है, दवा का हुक्म है, दिखाने का हुक्म है, बीमारियां आजादियां आती हैं, मगर इस पर तो नहीं बैठा जा सकता कि जब तक की जिंदगी है तब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा आई थी कल तो और भी भीड़ होगी जरिए पे कल, इसके जिम्मेदार सब वो लोग होंगे, अगर होता है हम नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं, हम बार बार कह चुके हैं, खुशामदें की हैं, सब कुछ किया है, उन लोगों से रिक्वेस्टें की हैं, मगर कोई जाने।